तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा रुद्र का हॉस्पिटल ले जाना है उसका रहेगा, क्योंकि रुद्र के स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण लगातार ब्लॉग नहीं बन पा रहा। तो आज हम रुद्र को देखिए, इसका चेहरा कैसा हो गया है, बिल्कुल बहुत कमज़ोर है। तो आज इसकी दवा लेके आते हैं और फिर इसके बाद ब्लॉग शूट करेंगे दोस्तों। तो बने रही है ब्लॉग, इसीलिए हम लोग मैथ की क्लास नहीं, मैथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं रुद्र को। तो अभी अभी उठा है सो के, खाली पेट की दवा खाई हुई है। अब इसके बाद और भी बहुत सारी दवा खाएगा। तो आजकल पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है, आज फिर इसकी दवा लेने जाना, हॉस्पिटल लेके जाना है। जब इसका फीवर सही हो जाएगा तब मैं और रुद्र दोनों अच्छे से ब्लॉक लाएंगे, मैथ में और इंग्लिश में और हिंदी में, सारे सब्जेक्ट में हम लोग एक एक ब्लॉक लाया करेंगे। तो तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद हम रुद्र को फिर से मैथ पढ़ाएंगे, तो फिर से ब्लॉक आएगा मैथ का। तो बने रहिए कंटिन्यू इस वीडियो पे। थोड़ी देर मैं अभी चलता हूँ रुद्र की, डॉक्टर ने आज रुद्र को बुलाया था तो इसलिए रुद्र को लेके आज डॉक्टर के पास जाना है। तो बने रहिए इस वीडियो में, और नए लोग जो हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो में बने रहिए, फिर रुद्र की दवा लेने चलते हैं। Thank you.
संडे को भी इतना देखिए ट्रैफिक, सिटी में संडे को भी ट्रैफिक रहता है इतना। आज के शहरों में सबसे अधिक जो चल रहा है ये ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा जो आए हैं, इनके कारण इतना ट्रैफिक चल रहा है। इसके वजह से निकलना मुश्किल है लोग दोस्तों। बाइक से चलना भी मुश्किल पड़ रहा है, कार से जाना तो बहुत ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ट्रैफिक का इतना ज़्यादा सिटी में चल रहा है कि ऐसी कोई सिटी नहीं जिसमें ट्रैफिक का मामला। ये एक बहुत महानगर, ये भी अभी नया नया महानगर बना, लेकिन इसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। देखिए ट्रैफिक, ई रिक्शे के ही ट्रैफिक सबसे अधिक दिखाई देगी। ये टेलीफोन एक्सचेंज के पास क्या है, ये डैंडोना स्कूल के पास देखिए कितना बड़ा ट्रैफिक है। सभी ई रिक्शा, टोटल ई रिक्शा के अलावा कोई नहीं, कोई गाड़ी नहीं रोड पे रह सकती, सभी जगह ई रिक्शे का ही वो है। देखिए रोडों पे टोटल ई रिक्शा। संडे का दिन है और 10 बजे का टाइम होगा तब जाके ये स्थितियाँ हैं यहाँ की, कि आप देख सकते हैं। आजकल हॉस्पिटल में बहुत अधिक भीड़, बच्चे को बीमारियाँ बहुत ज़्यादा चल रही है, इतनी भीड़ हो रही है डॉक्टर के यहाँ पे, आप पूछिए मत भीड़ का। और हम तो दवा लेके निकला है, देखो ये रुद्र खड़ा हुआ है, इतनी सारी बाइकें, इतना सारा जाम, छोटी सी गली में इतना जाम रहता है। ये रुद्र खड़े, पापा जी खड़े हैं, क्योंकि हम इसको लेके दोनों लोग गए थे, बाइक से गए थे, और अब हम चल रहे हैं घर को। तो दोस्तों बताइएगा कैसा रहा हमारे ये ब्लॉग, कमेंट में लिखिए। आज इसका रोड के स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण, और इतने ट्रैफिक के कारण तो आज मैं गाड़ी लेके नहीं गया अपनी, तो बाइक से ही मुझे दवा लेने जानी पड़ी। तो बाइक से ही नहीं गया, तो धूप में इतने और लेके गया, मजबूरी थी, जिसमें इतना ट्रैफिक हो जाता है, बाइक पर जा पाती है, गाड़ी से जाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो भी आज संडे था तो थोड़ी ट्रैफिक कम थी, भीड़ कम थी, इसलिए देखो टेलीफोन एक्सचेंज है यहाँ पे, और ये एक हॉस्पिटल यहाँ पर भी पड़ता है। ये हमारे यहाँ की मार्केट है, बहादुरगंज बोला जाता है।